हेलो जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ फिश करी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने पहले से उसे मैरिनेट करके रखा है, जो कि टर्मिक पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच बेसन, नमक और ये उसके उस थोड़ा सा सरसों तेल डाल के गार्लिक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और फटाफट मैंने मैरिनेट करके आधे घंटे रेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे उसे करी में बनाया, फ्राई किया। तो आगे का वीडियो में आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देखो, मेरा इधर फिश फ्राई हो रहा है, मैं दूसरी तरफ मसाला फ्राई कर लेती हूँ। आज मुझे कहीं जाना है तो मैं फटाफट जल्दी जल्दी बना रही हूँ। ये देखो, इसमें मैंने 3 ढाई से 3 चम्मच सरसों का तेल डाला है, वो मैं डाल या प्याज मैंने डाल दिया इसमें। और इधर मेरा मछली भी फ्राई हो रहा है, आप देख सकते हो। अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ। आप देख सकते हो ये मेरा फ्राई तैयार हो चुका है, बहुत ही करारे करारे बन रहे हैं। ये थोड़े से और होंगे और ये आप देख सकते हो कि मैंने बेसन जो डाला है उसके वजह से इस पर थिन लेयर आ रहे हैं। मैं आपको क्लोज अप में दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने एक बड़े टमाटर रफली चॉप करके और डाल दिया है, क्योंकि मेरा फिश जो है 1 किलो है, तो इसलिए मैंने दो टमाटर डाले हैं। इधर आप देखो, मेरा ये फिश फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हो। अब तेल को किनारे करके इसे निकाल सकते हैं। बाकी का फिश भी मैं इसमें डाल देती हूँ। करते हो तो आपके फ्राई भी बड़े जल्दी बन जाते हैं। इधर आप देखो, मेरा टमाटर जो है ऑलमोस्ट आधा पक चुका है। फिर मैंने इसमें यहाँ पे अगेन हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च, नमक अपने टेस्ट के अनुसार डाल रही हूँ। इसको मैं आधे मिनट से भी कम फ्राई करूँगी इसी टमाटर के पानी में। ये देखो, ये हो गया। अब आप देखो, ये मेरा सरसों और ये सूखी लाल मिर्च मैंने डाले हैं 2-3, और ये लहसुन डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। पीला सरसों है ये। अब मैं इसको इधर फ्राई कर रही हूँ। ये इधर मैं रख रही हूँ, दोबारा मैंने फिर से डाल दिया फिश को, तो ये फ्राई हो रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि ये कैसे बन के तैयार हो गया। तो अब मेरा मसाला बन गया, तेल भी बाहर आ गए। अब मैं अगेन इसमें ऐड कर दूंगी गरम पानी। ये आधा किलो, कम से कम आधा लीटर पानी। इससे एक फ़ायदा होता है कि आपका टाइमिंग भी बचता है और टेस्ट में भी, मेरी मम्मी बोलती है कि अच्छा बनता है। ये देखो, अब इसमें बॉयल आने लगे। इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देती हूँ, फिर मैं इसमें फिश के पीस डालते जाती हूँ। देखो कि ये मछली जो है बनके तैयार हो गई है। इसमें मैं हरी मिर्च का बीच से कट करके मैंने डाला है फ्लेवर के लिए, धनिया पत्ती। धनिया पत्ता तो अब फिश में आप देते ही हो और इंडियन के हर खाने में आता ही आता है।